लेकिन यहाँ तो महाराज हुआ करता था ना। हाँ, लेकिन वो गांव गया है, माँ ने कह रहा था। क्यों भाई? उसकी बीवी को तीसरा बच्चा होने वाला है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी भी सवाल यही है कि आज खाना कौन पकाएगा? अरे भाई जो भी पकाएगा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मुझे भी। अरे राम, अभी अभी तो आपने सैंडविच खाई थी। अरे उस बात को आधा घंटा हो गया है। अरे भाई लेकिन खाना कौन पकाएगा? अब मेरा सजेशन ये है कि जितने मेंबर्स यहाँ बैठे हैं उनके नाम की चिट्ठी निकालते हैं। जिसके नाम की चिट्ठी आएगी वो खाना पकाएगा। ओके तुलसी, पैड और पेन लेके आओ। जेडी लिखना है। अब सवाल ये पैदा होता कि इस चिट्ठियों को उठाएगा कौन? सबसे छोटा है वो। मेरे ख्याल से दादाजी को उठाना चाहिए। अरे नहीं बेटा, मेरे ख्याल से ये काम मेरा नाम निकला है। बच्ची वो खाना कैसे बनाएगी? नहीं दादी जी, मैं बना दूंगी। शर्त ये है कि मेहर मेरी हेल्प करेंगे। माय गॉड, हाँ तो कह दिया, बट इतने सारे लोगों का खाना बनाऊंगी कैसे मैं? क्या बात है पर? खाना बनाना नहीं आता? नहीं, आप आता है, बट इतने सारे लोगों का खाना एक साथ बनाया नहीं कभी। अरे तो मैं किस दिन काम आऊंगी? लाओ मैं बना देती हूँ। थैंक यू, दैट इज स्पिरिट। हाँ छोड़ो भी, तुम बस मेरे साथ खड़ी रहो, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है, पर तुलसी तुम ये सब करती कैसे हो? मतलब सही बताऊँ तो मुझे पकाना आता ही नहीं है। खाना बनाने की कला तो औरत का गहना होता है। तुम्हें नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी, लेकिन हाँ गुरु मानना पड़ेगा। मतलब कि मुझे फिर गुरु दक्षिणा भी देना पड़ेगा? डेफिनेटली। ना ठीक है। वाह क्या दाल बनी थी। दाल क्या, पूरा का पूरा खाना ही अच्छा था। लेकिन मुझे वो एक सब्जी में थोड़ा कम था नमक। रा 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 रा, नमक तुम्हारे में कम था? क्या बोले, कुछ नहीं, जाने दो बेचारा डर गया। लेकिन किसी और का बना है खाना खाने में बड़ा मजा आया। भाई मीर, सचमुच तुम लकी हो यार, इतनी अच्छी बीवी मिली है। सही, अब मेरे कहने का मतलब है कि तुम भी अच्छी हो। तुलसी, वाकई पायल ने खाना कितना अच्छा बनाया था ना? हाँ। और सबको खाने में कितना मजा आया, और कितना जल्दी भी पकाया उसने। झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे पता है खाना तुमने बनाया। तुम्हें कैसे पता चला? जिस प्यार से तुम खाना परोस रही, उतने प्यार से सिर्फ दो लोग परोसते हैं, एक तो माँ और दूसरा वो इसने खाना बनाया। तुम जानती हो मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। मिहिर, झूठ बोलने से तो मुझे भी बहुत नफरत है, इसीलिए मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। तुमने सारी चिट्ठियों में पायल का नाम लिखा, क्या वो झूठ नहीं था? अरे तुलसी, वो तो एक मजाक था, जैसे पार्ट ऑफ द गेम। अरे तुम्हारे उस मजाक ने क्या हालत कर दी उसकी? मिहिर, उसे खाना बनाना नहीं आता। What? और कैसे कहती है वो सबके सामने? सॉरी मुझसे नहीं, उसे जाकर कहो। अब प्लीज आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगे, प्रॉमिस? प्रॉमिस बाबा, प्रॉमिस। चलें। सब सब चुप चुप, मैं शुरू करवाती हूँ। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम,
शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। पा, तुलसी बहुत होशियार है ना।
हाँ हाँ, ये बचपन से ही ऐसी है। अरे खेलकूद में ही नहीं, हर बात में होशियार है। अब देखो ना, आज खाना बनाने के बारे में भी तुम्हारा परिचय हो गया ना उससे। हाँ? मतलब कि आपको मालूम पड़ गया कि? अरे पगली, मैं उसके हाथ का बनाया खाना पहली दफा थोड़े ही खा रही हूँ। हाँ? अरे मुंह में निवाला डालते ही पता चल गया था कि इसमें तड़का किसने लगाया है। बा, तुलसी ने प्रॉमिस किया है मुझे कि मुझे खाना पकाना सिखाएगी। अरे नहीं नहीं, और भी बहुत कुछ सीख सकती हो तुम मुझसे। जी एक बात तो मैं सीख गई कि मुझे तुलसी को क्या सिखाना है। उसे मैं सिखाऊंगी कि उसकी असली औकात क्या है। गांधी भाई, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? मैं तो गांधी जी के आदर्शों में विश्वास करता हूँ। सादा जीवन, उच्च विचार। आपकी इच्छा हो तो शादी धूमधाम से कराइए, आपकी इच्छा हो तो सादगी से कराइए। बापूजी, हमारी तो इकलौती बेटी है, शादी तो उसके धूमधाम से ही होगी। पंडित जी, बच्चों की कुंडली और गुण वगैरह मिलते हैं ना? लगन में कोई बाधा नहीं है, गुण मिलान बहुत ही उत्तम है। दोनों के 32 गुणों का मिलान आता है जो कि बहुत ही शुभ होता है। पंडित जी, देर किस बात की है, जल्दी से सगाई का मुहूर्त निकालिए। बसंत पंचमी का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अरे तो बहुत अच्छा। अरे तुलसी, जल्दी से मिठाई और गुड़ लेके आ बेटे। यही तुलसी है, पुजारी जी की बेटी। अच्छा, काफी नाम सुन रखा है। बड़ी ही गुणवान लड़की है। हमारे घर की सदस्य जैसी है एकदम। शादी होगी तुम्हारी? अरे अभी नहीं बहन जी, अभी तो वर की तलाश है, कोई अच्छा वर मिले तो। भाई लड़कों की क्या बात है, मैं 1 से 21 हाजिर कर दूंगी आपके सामने। अरे पहले वो मेहर की शादी तो हो जाए। हाँ मम्मी, देखो ना, शादी की सारी जिम्मेदारी इसी के सर तो आएगी। तुलसी के बिना तो इस घर की कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारा छोटा मोटा सारा काम तुलसी संभाल लेती है। अरे हम दीन में है ना, पूरी फैमिली तुलसी का नाम जितनी बार लेते हैं ना, उतना अगर हम लोग भगवान का नाम लेंगे ना, तो हमारी फैमिली का कल्याण हो जाएगा है ना। अच्छा है, हमारे 32 गुण मिल गए हैं, लेकिन पता नहीं वो 4 गुण कौन से हैं जो नहीं मिल रहे हैं। वैसे मैं इन सब ढकोसलों में बिलीव नहीं करती। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके 36 गुण मिले हैं और शादी के ठीक 36 दिन बाद उनका डिवोर्स भी हो गया है। सब अंधविश्वास है। तुम जिसे अंधविश्वास कह रही हो, मैं उसे श्रद्धा कहता हूँ। तुम कैसे अमेरिकन रिटर्न हो जो इन सब बातों में यकीन करती हो? तुम कैसी भारतीय लड़की हो जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करती? Come on, मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि तुम अपने संस्कार भूल जाओ। मेयर, हम किन बातों में उलझ गए? Let's talk about something else. तो ठीक है, तुम ही बताओ कि एंगेजमेंट के बाद तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? हाँ, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करना चाहती हूँ। तुम आओगे ना? अगर नहीं आऊंगा तो क्या तुम ये पार्टी अपने फियांसे के बिना ही कर लोगी? नहीं नहीं, ये बताओ तुम्हें आइडिया कैसा लगा? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन एंगेजमेंट के बाद सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे। मंदिर? हाँ, कोई शक है? नहीं बिल्कुल नहीं, जरूर जाएंगे मंदिर। वहाँ जाके मत्था टेकेंगे, टीका लगाएंगे और उसके बाद जाएंगे टीनेजर्स की पार्टी में। बाबा, आपको मिहिर की होने वाली पत्नी कैसी लगी? अच्छी है, पर उसके घर के लोग मुझे कुछ अजीब से लगे। इन लोगों का इस घर के लोगों से शायद ही मिलाप हो। खैर जो भी हो, भगवान इस जोड़ी को बनाए रखे। हाँ, तुझे कैसी लगी पायल? अच्छी है, लेकिन हमारा मिहिर भी तो पारस है, वो पायल को सोना बना देगा। कमाल की लड़की है तू भी। मैं पूछ पायल के बारे में रहा हूँ और तू मिहिर के गुण गाए जा रही है। बाबा, अब वो दोनों अलग थोड़ी ना है, एक दूसरे के विकल्प है। तू अपना विकल्प कब ढूंढ रही है बाबा? खैर,
वो भी मुझे ही ढूंढना होगा।